आप कुछ बोलो, जल्दी बोलो, कैसे हो? खाना खा लिया आपने? अब मैं सोने जा रहा हूँ। मम्मी गाँव चले फिर, वहाँ थोड़े ठंड के मजे लेके आएंगे। हेलो गाइस, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग एंड आई होप अपने घरों में अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। मैं भी अपने घर में अच्छा हूँ। बाकी अभी बज रहे हैं सुबह के 8:30, तो अब उठ गया हूँ और बाकी फ्रेश फ्रेश हो गए हैं। बाकी अभी छत पे आया था थोड़ा वेदर देखने के लिए, तो आप भी देखो वेदर कैसा हो रहा है गाइस आज का। मतलब आज लग रहा है कि हाँ कुछ ठंड आई है या कुछ ठंड है आज, क्योंकि आज इस तरह का ना प्रॉपर फॉग हो रखा है चारों तरफ, तो मौसम देख के अच्छा लग रहा है। वो ठंड के टाइम अगर ठंड ना हो ना गाइस, तो ठंड का मजा ही नहीं होता है। अब नहाना धोना करते हैं, बाकी मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस नहाना धोना हो गया है, बाकी अब नाश्ता भी आ गया। नाश्ते में आज है चाय और पकोड़े, और ठंड में अगर चाय और पकोड़े मिल जाए तो इससे बेहतरीन नाश्ता क्या ही होता है गाइस। चलो मैं इसको एंजॉय करता हूँ, फिर मिलता हूँ मैं आपको। तो गाइस अभी छत पे आया था धूप के लिए, बाकी धूप तो अभी आई नहीं है यार प्रॉपर। अभी भी देखो मौसम ना प्रॉपर वैसा ही हो रहा है, हल्का हल्का, लेकिन थोड़ा साफ हो गया पहले से। बाकी यहाँ मम्मी अभी कपड़े सुखा रही हैं, और मम्मी को भी ना लगभग ठंडी लग रही है अब। हाँ मम्मी गाँव चले फिर, वहाँ थोड़े ठंड के मजे लेके आएंगे। और क्या, चलते हैं गाँव में, नाना नानी से मिल के आएंगे, दादा दादी से मिल के आएंगे, सबसे मिल के आएंगे। लेकिन ठंड में ना सफर में दिक्कत हो जाती है, बहुत ठंड लगती है सफर में। हैं? वही तो मेन दिक्कत है, डायरेक्ट वहाँ हमारे यहाँ ट्रेन जाती भी नहीं है जो हम चले जाएं ट्रेन में। अब जाती है बस, अब बस में वही 12-13 घंटे का सफर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो गाइस अभी छत पे बैठे हुए हैं, बाकी मम्मी ने भी सारा काम वगैरह कर लिया, कपड़े वगैरह बर्तन वगैरह सब धो लिए हैं, और बाकी मम्मी भी धूप सेक रही है। हालांकि धूप अभी आई नहीं आज बिल्कुल भी, देखो आज धूप इतनी है नहीं, कुछ भी बैठे हुए हैं बस धूप का वेट कर रहे हैं। और वैसे भी बैठना क्या नहीं, जा ही रहे नीचे, अभी धूप आई नहीं रही। सो गाइस थोड़ी देर धूप सेकने के बाद अब नीचे आ गए हैं, बाकी अब खाना पीना भी हो गया है। हालांकि धूप तो आज थी नहीं बिल्कुल भी, थोड़ी बहुत थी, थोड़ा बहुत सेक के नीचे आ गए हैं धूप को। बाकी इधर मम्मी जी अब टीवी देख रही है अपना, और सिस्टर कॉलेज से आके सो गई है क्योंकि आज पेपर था इसका, और टीवी पे शायद अभी रिचार्ज खत्म हो गया हमारा, मैं रिचार्ज करना पड़ेगा मुझे अभी, और तो मैं भी थोड़ी देर अब रेस्ट कर लेता हूँ। तो गाइस खाना वाना खाने के बाद दिन में मैं सो गया थोड़ी देर, और काफ़ी देर सोया रह गया। बाकी अभी 6 बजे उठा हूँ तो देखा मम्मी मार्केट गई हुई है बाज़ार में, क्योंकि आज वेंसडे मार्केट लगती है हमारे यहाँ पर, तो मम्मी वहाँ सब्जी लेने गई हुई है। और बाकी यार ठंड तो हो ही रही है आज, तो आग भी जलाएंगे आज, क्योंकि आग जलाने का सही मौसम हो रखा है आज। और बाकी इधर सिस्टर अपनी स्टडी कर रही हैं, और सिस्टर ने अपना आटा भी गूंद दिया इस बार, तो मम्मी आती है खाना भी बना लेगी जल्दी, तो आटा वाटा गूंद दिया। बाकी मैं आग की जलाने की तैयारी करता हूँ, तो मम्मी भी आ जाएंगी, पापा भी आ जाएंगे, फिर सारे आग सेकेंगे, क्योंकि ठंड बहुत हो रही है आज। आज मैं थोड़ी देर बाहर गया था दूध लेने के लिए, तो ठंड तो हो ही रही है आज, और लेकिन वाकई यार ठंड में मौसम में ठंड ना हो तो क्या ही मजा है। चलिए आग जलाने की तैयारी करते हैं फिर हम। फाइनली अपनी आग जला ली है, देखो यहाँ सिस्टर भी बैठी हुई है, और बच्चा देखो पैपे कर रहा है, यहाँ लक्की भी है, यहाँ ये हमारा टूर का नाम है नीत। सो आग हमने जला लिया, फाइनली हम आग सेक रहे हैं। आप थोड़ी देर में और भी लोग आएंगे, तब तक हम आपको एंजॉय करते हैं, क्योंकि आज ठंड तो बहुत ज्यादा है। हाँ भाई आप कुछ बोलो, जल्दी बोलो, कैसे हो? खाना खा लिया आपने? अब मैं सोने जा रहा हूँ, सो जा फिर। तो गाइस यहाँ मम्मी भी किचन में खाना बना रही है, मम्मी कही थोड़ी देर तुमसे को, फिर मैं आऊँगी, तब तक मैं खाने की तैयारी कर लेती हूँ। तो मम्मी यहाँ खाना बना रही है, तो मम्मी क्या बना रहे हो आज खाने में आप? दाल बना रहे भाई, सब्जी बना रहे। अच्छा दाल और सब्जी। More.
अभी छत पे आए थे, सिस्टर कपड़े लेने आई थी छत पे आज रात को। कपड़े हम छत पे ही भूल गए, दिन में सुखाए हुए, तो अभी लेने आए हैं। बाकी आप मौसम देखो यार गाइज, मतलब आज दिन में भी धूप नहीं आई बढ़िया, और ना हमने बढ़िया धूप से की। आप मौसम देखो अभी से इतना कोहरा हो रहा है, मतलब सुबह तो भाई ठंड पड़ने वाली है बहुत तगड़ी। मज़ा आएगा भाई ठंड के मौसम में, ठंड का मज़ा, बहुत मज़ा आएगा। मेरे उत्तराखंड भाइयों, दिल्ली में भी ठंड पड़ती है यार, देख लो कैसी ठंड हो रखी है आजकल, सिर्फ उत्तराखंड में ही ठंड नहीं होती भाई। तो गाइस थोड़ा बहुत आग सेकने के बाद और बच्चों के साथ मस्ती करने के बाद अब अंदर कमरे में आ गए हैं। बाकी सिस्टर भी अपनी स्टडी कर रही है क्योंकि उसके एग्ज़ाम चल रहे हैं अभी। तो अब खाना वाना भी अब देखा था मैंने, आपको बताया था खाना की तैयारी हो रही है, तो अब खाना वाना खाते हैं। और इसी के साथ आज के करते हैं आज के ब्लॉग का एंड। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ब्लॉग अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और मैं अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, प्लीज़ मुझे वहाँ पर ही फॉलो करिएगा, वहाँ पर भी आपको वीडियो की अपडेट्स मिलती रहेंगी। सो मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।